नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप काली मिर्च या ब्लैक पेपर का प्लांट ये कैसे ग्रो करेंगे। बहुत आसान है, आपके घर में ये पौधा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पूरी तरीका मैं बताऊँगा। आप जो काली मिर्ची जो है, इस तरह की जो काली मिर्च है घर में हम लोग देखते हैं, ये किचन में यूज होती है। ये काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी सारे मसाले में इसका यूज होता है। और बहुत लोगों ने, बहुत यूट्यूब वीडियो आपने देखा होगा कि मसाले की जो ये जो गोल काली मिर्च है, इसको लेके पौधे उगाते हैं लोग, यूट्यूबर लोग उसके पौधे दिखाते हैं, सारे के सारे फर्जी है। मैं दावा करता हूँ कि इस तरह की जो दुकान से लेकर आते हैं उस पर आप नहीं उगा सकते। मैं बाद में बताऊँगा क्यों नहीं उगा सकते, ये कभी नहीं उगता है, सारे के सारे फर्जी हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये जो काली मिर्च के पौधे हैं, इस तरह के जो पौधे हैं, ये आप कटिंग से उगते हैं और बीज से भी उग सकते हैं, लेकिन फ्रेश बीज चाहिए बिल्कुल, जो गार्डन से लाते हैं। इससे क्यों नहीं उगता हुआ मैं बाद में बताता हूं आपको। इस तरह के पौधे आप, ये भाइंस होती है, करीब 30-35 मीटर तक ऊपर चली जाती है भाइंस। और ये जो है ये लो टेम्परेचर की भाइंस है, करीब आपको 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, और काफ़ी ह्यूमिड होना चाहिए, यानी कि ह्यूमिड भी होना चाहिए और ठंड के इलाका होना चाहिए, यानी कि पहाड़ी इलाके में, हल्का जो छोटे पहाड़ी इलाका में ये काफ़ी होते हैं। मैंने ये देखा है ग्रो करने में, जो साउथ इंडिया में विशाखापत्तनम में छोटी पहाड़ियों में, जहाँ पर आपके काफ़ी सारे कॉफ़ी के प्लांटेशन है, कॉफ़ी के पेड़ के ऊपर ये चढ़ा दिया जाता है भाइंस ये ऊपर, या फिर आसाम में ये जितने भी आपके सुपारी के पेड़ हैं, सुपारी के पेड़ में चढ़ा दिए जाते हैं, 7-8 मीटर तक इसको ग्रो किया जाता है। और इसके मैं पूरी आपको टेक्निक बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सॉइल मिक्स है ये क्या है, किस सीजन में इसको फूल लगते हैं, किस सीजन में इसको फल लगते हैं, सारी बातें मैं बताऊँगा, कैसे इसका हार्वेस्ट किया जाता है, सारे बात बताऊँगा। पहले मैं बता देता हूँ कि आपकी सॉइल मिक्स क्या है। तो इस तरह का क्या है, इस तरह का देखिए, आप गमला ले लीजिए, मैं छोटा पौधा है तो मैं 8 इंच का गमला ले रहा हूँ। इसके जो होल है, यहाँ पर छेद है, इसके ऊपर छोटा सा टुकड़ा मैं रख देता हूँ जहाँ, ताकि मिट्टी नहीं लग सके। और आपको इसके लिए लेंगे प्योर गार्डन सॉइल, अच्छी क्वालिटी की जो खेत की मिट्टी है, करीब 70% इसमें ले लेंगे खेत की मिट्टी, और उसमें मिला लेंगे 20% कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट, करीब 20% मिला लेंगे वर्मी कॉम्पोस्ट। और चूंकि ये काफ़ी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ये पहाड़ी इलाका में, हल्के पहाड़ी इलाका में होते हैं, और इसलिए हम इसमें थोड़ा रेत मिला लेते हैं, ताकि इसमें क्या होगा, बजरी, ये जो लाल बालू होते हैं ये मिला लेते हैं, ताकि ये काफ़ी सारे ये होंगे इसमें ऑयल ड्रेन होंगे। और उसमें थोड़े से मिला लेंगे नीम की खली, ताकि इसमें फंगस नहीं लगे, रूट्स में जो है फंगस का अटैक नहीं है। और इसको बहुत बहुत चाहिए आपको, जो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा चाहिए वो है बोन मिल, यानी कि हड्डियों का चूरा। हड्डियों का चूरा दो तरह का आता है, ये तो रॉ हड्डी का चूरा, ये स्टीम बोन मिल है। ये स्टीम बोन मिल क्या आपके करता है इंस्टेंटली, तो इसको काफ़ी सारे बोन मिल पसंद है, तो हम इसको बोन मिल देते हैं। एक तो ये दे सकते हैं, आपके पास ये वाला है तो ये भी दे सकते हैं, और ये वाला नहीं है, सबसे अच्छा रहेगा आप स्टीम बोन मिल ले लें। इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, ये मिल जाता है स्टीम बोन मिल में, ये करीब 5 रुपये में पैकेट ये मिल जाता है बाज़ार में। और ये स्टीम बोन मिल आप दे दें इसमें, ये हो गया आइडियल सॉइल मिक्स आपका ग्रो करने का। अब क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चूंकि ये हल्के ऊंची पहाड़ में ये भाइंस बनते हैं, और इसमें आपको मैं बताऊं कि ये जो आप करेंगे, अभी जो ठंड के महीना आ रहा है, आप नर्सरी में जाइए, कोई भी नर्सरी में जाके आप ये जो पौधा है ये खरीद लीजिए आप, ये गोल मिर्च का पौधा, ये करीब एक बार गमले में लगाएंगे, करीब 10 इंच के गमले में लगा दीजिए, एक बार में गमले में लगाएंगे, बीच बीच में रिपोर्टिंग करने से कम भी 30 साल आपको लगातार इसमें फल मिलते रहेंगे, यानी कि आपको गोल काली मिर्च मिलते रहेगी, आप हार्वेस्टिंग करते रहेंगे। और पौधे लगाने के, कटिंग लगाने के 3 साल में ये छोटे छोटे फूल आने शुरू होते हैं, उसमें फल आने शुरू होते हैं। इसमें जो फूल आते हैं वो जुलाई महीने में इसमें फूल आते हैं, और मैं दिखाता हूँ, इसमें थोड़े से मिट्टियाँ मिला देता हूँ, जुलाई में इसमें फूल आते हैं, और इसका जो फल अगस्त सितंबर में लगना शुरू होता है, और फल जो मैच्योर करता है, वो फल मैच्योर करता है आपका फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च में आप आसानी से इसका लेके कर सकते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो ग्रो बैग है, ग्रो बैग में ये जो पूरी मिट्टी है हम इसमें से हटा देते हैं। हटाने के बाद हल्की सी ऊपर से, ज़्यादा मत हटाइए, ये देखिए रूट दिख रही है इसकी, इसको बीच में सेंटर में बिठाते हैं, थोड़ी सी और मिट्टी बिठाते हैं क्योंकि कम हो गई है। ये जो लेयर है, ये मिट्टी का लेयर, ये समान होना चाहिए,
ये बिठा दिया हमने। ये देखिए हमने बैठा दिया है। और जब भी आप कोई नई पौधा बैठाए आप इसको अच्छी तरह से दबा दें, और दबाने के बाद आप इसको जो है पानी देना है और सेमी सेड में रख दीजिए। और अभी तो सर्दी का टाइम आ रहा है, सर्दी के टाइम में क्या होता है धूप आपके कम आएगी, तो आप बिल्कुल धूप में रख दीजिए 4 से 6 घंटे की, 4 घंटे की धूप काफ़ी है। और इसमें क्या करेंगे आप, जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसमें थोड़ा स्टेक लगा देंगे, स्टेक लगा के मचान भी बना सकते हैं, उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपको स्टेक लगा के कोई पेड़ के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। और 3 साल बाद इसमें से छोटे छोटे के जो फूल की मंजरियाँ निकलने लगेगी, और एक एक में छोटे छोटे पौधे आते हैं, करीब छोटे मटर दाने के जैसे फल आते हैं, और एक एक मंजरी में करीब 40-50 फल आते हैं उसमें, और जो हरे हरे होते हैं मैच्योर होने के पहले, मैच्योर होने से ये लाल कलर के हो जाते हैं, लाल कलर होने से ये गिर जाते हैं नीचे, तो आपको लाल कलर होने के पहले ये तोड़ लेते हैं। तोड़ लेने के बाद इसको मसल लिया जाता है, मसल लेने के बाद इसको 10 मिनट उबल लेते पानी में इसको उबाल लिया जाता है, या फिर आजकल ड्रायर मशीन आया है, ड्रायर मशीन में टोटल हीट दे के उसका जो भ्रूण है भ्रूण की मार दिया जाता है, ताकि उसमें जर्मिनेशन नहीं हो सके किसी भी तरह से। वो जर्मिनेशन नहीं होगा तो वो जो काली मिर्ची काफ़ी दिन टिकी रहती है, इसलिए आप जो भी काली मिर्च के पौधा लगाते हैं और वो जो होते हैं वो उसमें भ्रूण नहीं होता, उसमें जो जान है वो नहीं होती, तो वो पौधे ग्रो नहीं होते। तो वो जो है इस तरह की काली मिर्च के आपका बेकार है और ये आप ग्रो नहीं कर सकते। आपको अगर उगाना है, ज़्यादा नहीं लगता 50 रुपये लगता है, तो आप ये पौधा उगा सकते हैं और आपको 3 साल में इसमें फल आएंगे। एक बात बता दूं कि आप जब भी इसमें फूल आ जाए, जुलाई महीने में फूल आएंगे, तब आपको रेगुलर पानी देना है, हर दिन पानी देना है, ये मॉइस्चर पसंद करता है। अगर आप पानी देना भूल जाएंगे तो ये जो फल है ये ख़राब हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और जब आप 2 फरवरी तक आपको डेली पानी देना है, थोड़ा थोड़ा, सौगी मत करिए, लेकिन मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और फरवरी महीने में जब आपका जो फ्रूट जो है हरा मैच्योर होकर लाल होने लगे, तब आप इसको हाथ से तोड़ ले पूरी मंजरी और लेके आप इसको धूप में सुखा ले। इसमें वैसे रोग अगर नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी अगर कोई कीड़े मकोड़े का अटक हो तो आप इस तरह के इमिडाक्लोरोपीड 1 ml पर लीटर में देके आप स्प्रे कर देंगे, कोई भी डिजीज इसमें यूजली नहीं आती है। कभी कभी फंगस डिजीज आती है, लेकिन बहुत कम। इसमें कोई, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसमें कोई भी रख रखाव की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और किसी भी हालत में ये ग्रो कर जाता है। तो ये रहा पूरा ग्रोइंग टिप्स एंड ग्रोइंग केयरिंग टिप्स। अगर बोलेंगे आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, तो और भी पूरा डिटेल्स में बताऊँगा आपको ये जो गोल मिर्च के काली मिर्च का जो पौधा है उसके बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माई पैशन हिंदी वर्षन में नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल के आने के लिए, इस ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।